Hello everyone, welcome to this video. This is a poem by John Donne, Sweetest Love, I Do Not Go. So first we'll be taking up 8 lines each. Hum log 8 panktiyan ek saath lenge, and then we'll be dividing it into 4 parts each and try to understand the meaning of each line. तो हम इन आठों पंक्तियों को दो दो भाग में बांटेंगे और चार चार पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे. तो पहली आठ पंक्तियों को लेते हैं. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंड डेथ्स टू डाई. तो पहली चार पंक्तियां स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा, आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी वेयरनेस परेशानी या थकावट, कि मैं तुमसे परेशान हो गया हूं. मैं इसलिए नहीं जा रहा कि अपना प्रेम अधीन हो रहा है. नॉर इन द होप दैट वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और इसलिए भी इस आशा में भी मैं नहीं जा रहा कि मुझे दुनिया में एक उपयुक्त प्रेम प्राप्त होगा. मैं उपयुक्त प्रेम की तलाश में भी नहीं जा रहा. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, कवि ये कहते हैं कि चूंकि अंत में मुझे मरना ही है तो मेरे लिए ये बेहतर है. मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट Thus by feigned deaths to die. तो मेरे लिए यह बेहतर है कि मैं समरूप मौतों, जो समान मौत है, उससे मरने का मैं अभ्यास करता रहूं. क्योंकि अपनी प्रेमिका से दूर जाना उनके लिए मृत्यु के ही समान था. तो इसलिए वो ये कहते हैं कि अपनी प्रेमिका को खोना, उनसे दूर जाना उनके लिए मृत्यु के ही समान है. वो अपनी प्रेमिका को ये जो आकांक्षाएं हैं उनकी प्रेमिका की, उसको आश्वासन में बदल देते हैं और बोलते हैं कि चूंकि उनकी प्रेमिका उनके अस्तित्व का स्रोत है, शी इज द सोर्स ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, इसीलिए उनसे दूर जाना उनके लिए मृत्यु के बराबर है. दैट इज वाई गोइंग बींग सेपरेटेड फ्रॉम हर इज लाइक बींग डेड. Yesternight the sun went hence and yet is here today. He hath no desire, nor sense, nor half so short a way. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys since I take more wings and spurs than he. Yesternight the sun went hence and yet is here today. Kavi khud ki tulna surya se karte hue kehte hain ki surya bhi kal ast ho gaya tha aur aaj वापस से वह यहां पे है. सूर्यास्त के उपरांत भी आज फिर से सूर्य वापस से यहां पे है. सूर्य इतनी लंबी दूरी, दुनिया में इतनी लंबी दूरी तय करके अस्त हुआ था और उसके बावजूद वो प्रत्येक दिन वापस आ जाता है. इसीलिए इसी प्रकार मैं भी वापस आ जाऊंगा. ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, सूरज के पास कोई आकांक्षा नहीं है ना ही कोई समझ है, उसके उपरांत भी वो वापस आ जाता है. नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और जो मेरी यात्रा है वो सूर्य के मुकाबले, सूर्य के की तुलना में आधी से भी छोटी है. उसकी आधी भी आधे के बराबर भी नहीं है. उसकी तुलना में मेरी यात्रा बहुत छोटी है, इसीलिए मैं वापस आ जाऊंगा. देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज Since I take more wings and spurs than he. कवि अपनी प्रेमिका को आश्वासन देते हैं कि मेरी चिंता मत करो, but believe that I shall make, but मुझ पे विश्वास रखो कि मैं speedier journeys since I take, मैं जल्दी से, सूर्य की तुलना में मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, और मेरे जाने और आने के अधिक कारण भी हैं. चूंकि वो अपनी प्रेमिका के पास जल्दी से आ जाना चाहते थे तो वो उसको बोलते हैं कि मेरे वापस आने का कारण भी है. ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैनॉट एड अनदर आर नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल.
But come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length, itself o'er us to advance. तो पहली चार पंक्तियों में oh how feeble is man's power, कवि अब अपनी प्रेमिका से दूर होने की जो चिंता है उसके उपरांत सोचते हुए कहते हैं, वो बड़ी समस्याओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि मनुष्य की जो क्षमता, मनुष्य की जो शक्ति है वो कितनी कमजोर है. दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि यदि अच्छा समय भी चल रहा हो, ये सौभाग्य भी हो, तो भी वो नए क्षण, वो ज्यादा क्षण अपने जीवन में नहीं जोड़ सकता. कैनॉट एड अनदर आर नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही वह खोया हुआ समय भी वापस ला सकता है. बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ, और यदि बुरा समय चल रहा हो, यदि दुर्भाग्य हो, तो हम अपनी सारी शक्ति उसमें झोंक देते हैं और हम सारी शक्ति उसमें लगा देते हैं. वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, इसे उसे कला सिखाते हैं जिससे बुरी परिस्थितियों को हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण मिल जाता है, और जो बुरी परिस्थितियां हैं उसे हमारे जीवन के ऊपर शक्ति मिल जाता है. हम इतने शक्तिहीन हैं कि हमारे पास जो भी शक्ति है वह भी दुर्भाग्य के समय हमारे विरुद्ध हो जाती है. कवि ये सुझाव भी देते हैं, he makes the suggestion, कि प्रेमी के पास भाग्य को दूर करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, कि उनके पास अपना जो फेट है, he doesn't have power to change his fate, उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है खुद के भाग्य को दूर करने के लिए, और इसी के कारण जाने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है. अपनी प्रेमिका से दूर जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है. He does not have any other choice but to go away from her because he doesn't have strength to overcome fate. ये छंद कविता में एक महत्वपूर्ण मोड़ पे भी आता है, क्योंकि इससे पूर्व जो दो छंद हैं उसमें कवि ये आश्वासन देता है कि वो जल्दी आ जाएगा, वो विश्वासपूर्वक रूप से वापस आ जाएगा. अंतिम दो छंदों में कवि इस तरफ ध्यान केंद्रित करता है कि जो उनकी प्रेमिका जो उनको लेके चिंतित हैं, विलाप कर रही हैं और भय जता रही हैं, इससे नुकसान ही होगा. When thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest. If in thine my life thou waste, thou art the best of me. When thou sighest not wind, but sighest my soul away. कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम विलाप करती हो, तब तुम हवा नहीं मेरी आत्मा को दूर करती हो. बट साइएस्ट माई सोल अवे, साइएस्ट नॉट विन बट साइएस्ट माई सोल अवे, तब तुम हवा नहीं मेरी आत्मा को ही मुझसे दूर कर देती हो. व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, तो इसी का तर्क देते हुए कवि कहते हैं, व्हेन दाउ वीपेस्ट, जब तुम रोती हो, जब तुम आंसू बहाती हो, अनकाइंडली काइंड, तो ये विरोधाभास का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, जहां पे कवि अपनी प्रेमिका को बोलते हैं निर्दयी, क्योंकि वह रोती है और उसकी आंसू जो है कवि के लिए माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, उसी प्रकार है जैसे कि उनका जीवन का रक्त बह रहा हो, उनका जीवन रूपी रक्त ही बह रहा हो. जैसे कि उनके प्रेमिका की आंसू बह रहे हैं, वैसे ही उनका जीवन रूपी रक्त बह रहा हो. तो जो उनकी प्रेमिका है, उनकी जो कवि के साथ रहने की आवश्यकता देखने पर कवि को काफी पीड़ा होती है, और यह उस पीड़ा को भी दर्शाता है. इट शोज द लवर्स पेन इन सीइंग द एक्सटेंट ऑफ द नीड टू बी विथ द पोएट. इट कैनॉट बी दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेएस्ट, कवि कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी That thou lovest me, कि तुम मुझसे उतना प्रेम करती हो, as thou sayest, जैसा कि तुम कहती हो. और ये कवि इसलिए कहते हैं, if in thine my life thou waste, thou art the best of me. यदि तुम, if in thine my life thou waste,
यदि तुम अपने सबसे अच्छे हिस्सों को बर्बाद कर देने के लिए तैयार दिखती हो और जो सबसे अच्छे हिस्से हैं वो कवि के अनुसार कोई और नहीं, कुछ और नहीं, वह उनकी प्रेमिका ही है। तो चूंकि प्रेमिका खुद को बर्बाद करने के लिए तैयार दिखती हैं, तो इसका अर्थ कवि ये लगाते हैं कि शायद वह उनसे उतना प्यार, उनका उतना प्रेम नहीं करती। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव मेवर पार्टेड वी। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, कवि अपनी प्रेमिका के दिव्य हृदय की तरफ इशारा करते हैं, उसका आग्रह करते हैं, लेट नॉट फॉर थिंक मी एनी इल, ताकि वो उनके कि वो कोई आकांक्षा ना रखें कि कोई अनहोनी होगी, वह उनके भविष्य के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि अगर वह उसके बिना भविष्य का डर जारी रखती हैं तो कोई ना कोई अनहोनी जिसके बारे में वो सोच रही है वह हो जाएगी, वो घटित हो जाएगी। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, जो भाग्य है वह उनकी प्रेमिका का ही हिस्सा ले लेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो उनका डर है उनकी वो पूर्ति कर देगा, जो जैसा वो डर रही है जिस अनहोनी के बारे में वही घटित हो जाएगी। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि इसको वह उसी रूप में देखना पसंद करेंगे जैसे कि वह एक दूसरे से मुड़ करके सोने आ गए हों, एक दूसरे बिस्तर पे सोने आ गए हों और एक दूसरे से मुड़ करके सो रहे हैं। दे हु वन अनदर कीप और अलाइव, दे हु वन अनदर कीप अलाइव, वो दो लोग जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, एक दूसरे जिनका प्रेम ही उनके लिए प्राण है, वैसे लोग जो है कभी भी जुदा नहीं हो सकते। नेवर पार्टेड बी, वे हमेशा एक साथ एक भाव में होते हैं, वे एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो हमने हर एक पंक्ति का इस कविता में अर्थ समझने की कोशिश की। इसके बाद संक्षेप रूप में एक बार देखते हैं कि इस कविता का अर्थ था क्या। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका से दूर जाते हुए कहते हैं कि वे इसलिए दूर नहीं जा रहे क्योंकि उनका प्रेम अधीन हो रहा है, या वे अपने प्रेमिका से परेशान हैं, वो इसलिए दूर नहीं जा रहे कि उनको दुनिया में ये आशा है कि उन्हें उपयुक्त प्रेम मिलेगा, वो इसलिए भी दूर नहीं जा रहे। वो अपनी तुलना सूर्य से करते हैं और कहते हैं कि जैसे सूर्यास्त होता है और वापस से प्रतिदिन सूर्य वापस आ जाता है, वैसे ही वह भी जल्दी से, सूर्य से जल्दी वापस आ जाएंगे। कवि ये भी कहते हैं कि जैसे मनुष्य शक्तिहीन होता है, उसे अपने अच्छे समय में वो ज्यादा क्षण नहीं जोड़ सकता, वो बुरे समय में अपनी सारी शक्ति विहीन कर देता है, उसी प्रकार उन्हें अपने भाग्य पे भी कोई नियंत्रण नहीं है, वो नियंत्रित नहीं कर सकते और उन्हें दूर जाने की अलावा कोई विकल्प नहीं है। कवि अपनी प्रेमिका को ये समझाते हैं कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो भय करती रही तो वो जिस अनहोनी का भय कर रही है वो अनहोनी घटित हो जाएगी। आखिर में कवि ये आश्वासन देते हैं उनको कि वो इसी प्रकार उनकी अनुपस्थिति इसी प्रकार है, वो रात में एक पल की तरह है जिस पल वो एक दूसरे से वो दोनों सोने चले गए हों, एक दूसरे से मुड़ के, और कोई भी दो लोग जो एक दूसरे से इतना प्रेम करते हो कि उनका प्रेम ही उनका प्राण हो, वो एक दूसरे को जीवित रखते हो, ऐसे दो लोग जो हैं एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के भाव में सदा रहते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।